मेरे पास घर में हेलमेट है। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। नहीं प्लीज ले लीजिए। प्लीज, मैंने कहा ना। बाय द वे आई एम मैनेला। आई एम चंदू। आ, ये क्या यार, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक दूसरे को भूल गए क्या? क्या नाटक है? ए, तुम कौन हो? अरे बाप रे, मैं कौन हूँ ये भी भूल गया तू? बस यही दोस्ती है, यहाँ पे आके तूने अपना गेटअप चेंज कर लिया। ये क्या ड्रेस पहन के घूम रहा है? ये कौन है? पता नहीं। हद होती है नाटक की। इसको मंत्र आता मैं जानता हूँ, तुझे तंत्र आता है मुझे मालूम है, लेकिन तुम लोग एक्टिंग भी कर लेते हो। तुम लोग को यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हॉलीवुड में जाओगे तो ऑस्कर अवार्ड लेकर आओगे। लगता है ये पागल है। बाय चंदू। ओके बाय। मैं पागल हूँ? मुझे पागल बोल रही है? कहाँ गया? अरे बाप रे, वनीला ये कौन है? मेरे जानने वाला था। मेरा हेलमेट उसे क्यों दे दिया? मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगी, ठीक है? आई लाइक इट। तुम नया नया गिफ्ट दोगी तो ये हेलमेट क्या, अपना दिल भी तुम्हें दे दूंगा। अरे क्या रे, स्कूटी क्या चोरी करके लाया? सुनिए, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। चोरी के मुझे क्या जरूरत है? ये मेरी खुद की गाड़ी है। इंग्लिश में बात कर रहा है ये तो। अरे जैसे आदमी को बहुत दिखाओ। ये स्कूटी नहीं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है। परसों ही बोरिंग करवाया था सर। अच्छा, स्टार्ट करके दिखा। चल तो आप पीछे आके खड़े हो जाइए सर। हाँ खड़ा रहता हूँ एकदम। यहाँ खड़े रहिए सर, थोड़ा लेफ्ट। हाँ ठीक है, स्टार्ट कर। हाँ स्टार्ट कर। अरे ये पेपर मिल की चिमनी है, स्कूटी है? तुमने तो बोरिंग करा था। बोरिंग बोला था सर, सर्विसिंग थोड़ी बोला था। हाँ अरे वो भागा। रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्वती की शादी के बारे में पढ़ेंगे। पार्वती की शादी कैसे हुई थी पता है सबको? क्या पार्वती तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? कम से कम सुहाग रात के टाइम तो बुला लेती। अरे गुस्सा मत करो। उसको कब शादी करनी उसे पता है? तुम चुपचाप उधर बैठो वरना मुंह फोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। 12 साल से एक ही बात बता रहे, कुछ नई बात हो तो बताओ। जब से कॉलेज शुरू हुआ है तब से तू इधर पढ़ रहा है। अरे तू कॉलेज में आया था, मेरे अमिताभ बच्चन जैसे बाल थे, अब अनुपम खेर जैसे हो गए हैं मेरे बाल। देखना ये टाइटैनिक फिल्म के हीरो जैसा लगता है। बहुत हैंडसम दिखता है ना। हाँ हाँ, तुम मत देखो, हम इसे लाइन मत देखो। ये काला कौवा इन लोगों को हैंडसम लग रहा है। छी, वो नहीं है, इसके बगल वाला है। क्या है राजकुमारी पद्मावती, तुमने कोई राजकुमार देख लिया क्या? एक सुंदर लड़का दिखा नहीं, लव 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 शुरू हो जाता। तुम लोगों का क्लास है या लव पॉइंट है, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? जब देखो तब लव 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 लेटर यही पास करते रहते हो तुम लोग। तेरा नाम क्या है रे? चंदू। बैठ जा बैठ जा, तो मुझे इन लोगों से अलग दिखाई देता है। इन छिछोरों के चक्कर मत पड़ना तू, समझा क्या? तो क्या आपके साथ दोस्ती करनी चाहिए? तो मुझे गुस्सा मत दिला, अगर मैं भड़क गया ना तो तेरी। भड़क गया तो क्या कर लोगे मेरा? क्या करूंगा, पढ़ाई शुरू करवा दूंगा मैं फिर से। पार्वती की शादी जो है, सर ये चारों बुक की एंट्री कर लीजिए। सॉरी, मेंबर्स को सिर्फ 2 ही बुक दी जाती है। ऐसा क्यों? ये रूल्स है भाई, ये 2 बुक लो और 2 बुक रख दो। ये बुक्स मेरे कार्ड में। ठीक है। आप मुझे आप मत कहिए, मेरे नाम से पुकार सकते हैं। मेरा नाम तो मैंने बताया था ना। थैंक यू रिंकी। तुम्हें कैसे पता मेरे घर का नाम रिंकी है? मैंने तो वैनिला बताया था ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना बोले पता चल जाती। साइन करो। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? पहले तुम पढ़ लो उसके बाद मुझे दे देना, इस तरह हम एक्सचेंज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। इतनी जल्दी में क्यों हो? कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, बाय। ओके बाय। सुनो, तुम्हें जरूरत पड़े तो क्या करोगी? मेरे कोटे में लगी। मेरे कोटे में लीजिए ना, जितना चाहिए मैं देता हूँ। क्या देगा, अब तक 40 किताब बेच के खा गया है और ऊपर से पेपर भी लेके जाता है तो लाता नहीं है। वो सब हम आपस में बाद में देख लेंगे, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना।
इनकी मदद करो ना बासु। अगर इस तरह सबकी मदद करते रहेंगे तो आज हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। एनी प्रॉब्लम सर? बताऊंगा तो तुम भी डांटोगे बेटा। रुकिए, मैं देखता हूँ। घबराइए मत सर, स्कूटर को देखता हूँ। लीजिए स्टार्ट हो। थैंक यू बेटा। मामा उठो। मामा, हे मामा। क्या हुआ, क्या बात है? मैंने एक सपना देखा। सपना देखा? सपने में क्या देखा, चल बता मुझे। क्या है? मैंने सपने में देखा कि वनीला की गर्दन पर यहाँ एक तिल है। ऐसा सपना क्यों देखा? मामा कैसा सपना था? मुझे लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी। मामा मजाक की बात नहीं है, क्या उस लड़की की गर्दन पर यहाँ पर सच में तिल होगा? उस लड़की की सुहागरात के बाद उसके पति से पूछेंगे तो वो हमें डिटेल में बताएगा कि कहाँ कहाँ उसके तिल है और कहाँ कहाँ तिल नहीं है। मजाक मत करो। नहीं तो क्या करूँ? मैं आपको कैसे समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच ही नहीं रहा, फिर भी सपना आ रहा है। छह, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। दीदी ये